लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने केकड़ी में आयोजित हुए भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और फिर से भाजपा सरकार बनाने की अपील की। इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायक सहित सभी मंडलों को भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। जो मिल रहा है उसके आधार पर 29 अप्रैल को मुझे नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसद में भेजने के लिए मुझे मेरी आत्मा को एहसास हो रहा है कि आपका भरपूर मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे एक ही चिंता है, हे भगवान, जिस आशा के साथ जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, तू मुझे इतनी ताकत देना, मैं उस आशा के अनुरूप जनता के बीच में खड़ा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।